गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे आपकी कंप्यूटर बुक से चैप्टर 2, इसका हेडिंग है वर्किंग विद विंडोज 7। आप वर्किंग कैसे कर सकते हैं यूजिंग विंडोज 7। ठीक है, विंडोज 7 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 7 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम जिसकी मदद से हम अपने तरह तरह के कार्य को पूरा करते हैं फॉर पर्सनल कंप्यूटर, अपने पर्सनल कंप्यूटर की मदद से, जिसे बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी ने। और ये काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से, विंडोज 7 एक काम करता है इंटरफेस के रूप में। इंटरफेस का मतलब बीच के आमना सामना करने वाला, या फिर कह सकते हैं कि माध्यम बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 के माध्यम से। विंडोज 7 एक माध्यम बनता है ताकि कंप्यूटर और यूजर अपनी बातों को, अपनी कम्युनिकेशन को एक दूसरे के बीच कर सके। उसके लिए विंडोज 7 का हम यूज करते हैं। विंडोज 7 डिपेंड करता है या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। तो ऐसा कह सकते हैं कि विंडोज 7 काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से, जो कि एक माध्यम बनता है कंप्यूटर और यूजर के बीच के कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट तरह का टॉपिक, एक्सेसिबिलिटी इन विंडोज 7। विंडोज 7 में आप क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से उसको एक्सेस कर सकते हैं, कैसे इसको यूज करेंगे। देखिए, विंडोज 7 इंक्लूड्स, विंडोज 7 में शामिल है क्या शामिल है? डिफरेंट टाइप के ऑप्शन, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है, बहुत से टाइप के ऑप्शन है, प्रोग्राम्स हैं जिसे आप आसानी से, इजियर टू सी, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं, उसे सुन सकते हैं और कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका पर्सनलाइजेशन भी शामिल है। पर्सनलाइजेशन का मतलब ये होता है, पर्सनलाइज का मतलब होता है कि आप अपने कंप्यूटर के स्क्रीन को किस तरीके से अपीयर करा सकते हैं, किस तरह से उसको देखना चाहते हैं, डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या सिलेक्ट करेंगे, स्क्रीन शेवर कैसे करेंगे, क्या कलर होगा बैकग्राउंड का, ये सब चीजें आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं विंडोज 7 की अंतर्गत पर्सनलाइज का ऑप्शन लेकर। नेक्स्ट टॉपिक दिया मैग्नीफायर। मैग्नीफायर एक प्रकार का एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, लेंस है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, विंडोज 7 के अंदर, जो आपको हेल्प करता है कि आप अपने कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स को, एरियाज को जूम और जूम इन जूम आउट के माध्यम से देख सके, छोटा या बड़ा करके देख सके विंडोज 7 में, जिसके अंतर्गत आपको लेंसेज लगी हुई है, लेंसेज मोड मिलती है, ताकि आप अपने पर्टिकुलर एरिया को बड़े या छोटे में करके देख सके, या फिर इसको फुल स्क्रीन के मोड में भी देख सकते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ऑप्शन मिलता है आपको। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का मीनिंग ये होता है कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन में अगर इनके सबके पास कीबोर्ड नहीं है, फिर भी आप अपने कीबोर्ड को मॉनिटर पे ला करके, दैट इज यहाँ पे अपने कीबोर्ड को यहाँ पे अपीयर करा करके ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की मदद से आप यहाँ टाइपिंग माउस पे के द्वारा क्लिक करके आप टाइपिंग भी करा सकते हैं चीजों को, जिसे आप रिसाइज कर सकते हैं, इस कीबोर्ड को आप बड़ा कर सकते हैं और या फिर से छोटा साइज में भी चेंज कर सकते हैं टू मेक इट इजियर टू सी, ताकि वो बड़ा करके छोटा करके आप उसको आसानी से देख सकें। एंड इंक्लूड्स टेक्स्ट प्रिडिक्शन, और जिसकी मदद से आप तरह तरह के टेक्स्ट को लिख सके। टेक्स्ट का मतलब आप अल्फाबेट्स लिख सके, नंबर्स लिख सके, या कुछ सिंबल्स को टाइप कर सकते हैं इसके मदद से। हम बात करते हैं, जैसे आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं, जो लाइट आपके मॉनिटर पर जलती है वो एक डेस्कटॉप होता है, वो आपका स्क्रीन होता है। जो स्क्रीन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके आइकन्स मिलते हैं, ये कंप्यूटर है, रिसाइकल बिन है, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इन सभी छोटे छोटे ग्राफिक्स को हम बोलते हैं आइकन। क्या कहते हैं? आइकन्स कहते हैं, आइकन्स कहते हैं। और आपके अगर देखेंगे अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर, तो राइट हैंड साइड में कुछ क्लॉक बना होता है, कैलेंडर्स होते हैं, इन सभी चीजों को हम बोलते हैं गैजेट्स, इन सभी चीजों को हम बोलते हैं गैजेट्स। हम बात करें तो अपने स्क्रीन की बॉटम लेफ्ट कॉर्नर की, दिस वन इज स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन कहिए या फिर मेनू कहिए, स्टार्ट मेनू या स्टार्ट बटन होता है। जैसे आप यहाँ प्रेस करते हैं तो आपके सामने स्टार्ट मेनू ओपन होकर के आता है, और ये पूरा स्टार्ट मेनू के साथ, ये स्टार्ट बटन के साथ साथ पूरा का पूरा नीचे का पूरा बॉटम एरिया, इस पूरे को बोलते हैं हम टास्क बार। क्या कहते हैं? टास्क बार। ये पूरा एरिया टास्क बार है, जिसके अंतर्गत राइट हैंड साइड में आप देखेंगे यहाँ पे टाइम है, डेट है, आपका वॉल्यूम है, बैटरी कितना चार्ज है आपके कंप्यूटर का, या फिर आपका लैपटॉप यूज करते हैं वहाँ बैटरी मिलेगा आपको, यहाँ पे फ्लैग है, और बहुत से नोटिफिकेशन जो है आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट, दैट इज वन स्टार्ट मेनू, फिर आपका क्रोम है, और डिफरेंट टाइप के पिक्चर्स ग्राफिक्स मिलेंगे आपको, डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के एप्लीकेशन को ओपन किया है। तो इस तरह से आप सभी ने आज जाना कि विंडोज 7 क्या है, विंडोज 7 के अंतर्गत आपने
सीखा कि विंडोज 7 के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं कि आप अपने कंप्यूटर के पर्सनलाइजेशन को चेंज कर सके, आप अपने कीबोर्ड को अपने मॉनिटर पे कैसे लेकर आएंगे, या फिर मैग्नीफायर्स का क्या यूज होता है और आपके स्क्रीन के जो पार्ट्स हैं वो किसे क्या कहते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। इनकेस कोई भी डाउट होता है आपको तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।